में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई। 1 घंटे चली इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए बेहद जरूरी हैं। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग पासवान ने 2, 1 कैबिनेट, 1 स्वतंत्र प्रभार, जीतन राम मांझी ने 1, एकनाथ शिंदे ने 2, 1 कैबिनेट, 1 स्वतंत्र प्रभार मंत्रालयों की मांग की है। जयंत चौधरी ने कहा है कि हमें चुनाव से पहले 1 मंत्री पद देने का वादा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी 1 मंत्री पद चाहती हैं। Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. And sir, what about portfolios? Sir, anything? Portfolios, sir? Sir, any portfolios? I will talk to you after.